तो गाइज आज का जो हमारा लंच होगा वो होगा ग्रेट पंजाब द इंडियन रेस्टोरेंट एंड बार। ओके हाँ खुद धोएंगे पहले हम। ओके तो गाइज खाने में है प्रॉपर इंडियन फूड, आलू लौकी की सब्जी और ये वेज पनीर कह रहा हूँ पनीर, ठीक है, और खीरा हरी कुशैन और नान, ठीक है, अभी भात भी है। तो गाइस लंच वंच करने के बाद अब हम जा रहे हैं आर्ट इन पैराडाइज, जो कि यहाँ का 3D आर्ट म्यूजियम कह सकते हैं आप उसको। तो दगड़ियों फाइनली हमने आर्ट गैलरी का टिकट ले लिया। ये देखो मेरे हाथ में 3 टिकट है एटीएम कार्ड की तरह, तो इसको लेके हम अंदर जाएंगे और वहाँ पे 3D पेंटिंग देखेंगे। दोस्तों हमें एक टिकट पड़ी है 300 बाट की। देखो भाई गायब हो गए सौरभ भाई, कहाँ गया भाई, हाथ खुट गए थे रे, धाड़ कहाँ है, सब गायब हो गया। और ये आप देखिए दोस्तों बेसिकली एक किचन का सेटअप बना रहा है और आपको ऐसा लगेगा कि भानकुन ऐसे लटका रखे होंगे, वो भजाओ को देखो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी सर के ऊपर गिर जाएगा, लेकिन ये पेंटिंग है एक्चुअल में। अगर आप इसके पास जाके देखोगे तो ये पेंटिंग कर रखी है, हाथी 3D पेंटिंग छू दगड़ियो हाथी हंगना लीजिए बैठो, और यहाँ तुम देख सकते हो हाथ अपन भेद पोसना लीजिए टिश्यू पेपर उखोड़ो, ये देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वहां से बाहर आके टिश्यू पेपर अपनी शूट से खींच रहा है। और टिश्यू पेपर को भी आप गौर से देखें दोस्तों, ऐसा नहीं लग रहा हवा में उड़ रहा है, लेकिन अगर आप वही देखो छाया भी बना रखी है, देखो यार क्या पेंटिंग है जबरदस्त। एंड दिस इज ऑल्सो अ पेंटिंग, पेंटिंग तो आप गौर से देखो दोस्तों दीवारों पर पेंटिंग किस तरीके से की गई है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे समुंदर के नीचे हम आ गया। ये देखो दोस्तों यहाँ पे एक लेडी पैग बना रही है, ये वाली बोतल देखो दोस्तों ऐसा नहीं लग रहा जैसे हवा में तैर रही होगी। तो अगर आप पास जाके देखेंगे तो ये भी एक पेंटिंग है, ये फील ऐसा हो रहा है कि हम इसको हाथ से ऐसे पकड़ लेंगे। ओ आम ओ थाई आम ए घुटुक चाह मनकला पिलाओ हो आमा कान फोन लियो बुढ़ी। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूछ जैसा क्या डाल रहे हैं। ओ वाह ये तो हम अयोध्या जैसा पहुंच गए, टेंपल दोस्तों ये सब पेंटिंग है, ये मेरे सामने कोई मंदिर नहीं है। तो कुछ ऐसी ही पेंटिंग ऐसा ही इल्यूजन क्रिएट किया गया होगा महाभारत काल में, जब दुर्योधन फर्श को तालाब समझ बैठा और तालाब को फर्श, सेम मेरे साथ भी ऐसी हो रहा है दोस्तों। और ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे सामने मंदिर, वो देखो भाई साहब जा रहे हैं अग्नि, वो देखो देखो ऐसा लग रहा है गेट पार कर लेंगे वो, लेकिन वो पेंटिंग है। तो दोस्तों 3D पेंटिंग की यही विशेषता होती है, आपको वो पेंटिंग बिल्कुल वास्तव में हूबहू वैसी लगती है जैसा कि हम रियल लाइफ में देखना चाहते हैं। अरे बापूजी बोलो महात्मा गांधी की जय, बापूजी आप पटाया में क्या कर रहे हो। दोस्तों ये भी एक पेंटिंग है और आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार एक खिड़की से बाहर का व्यू है, पर अगर वास्तव में आप देखेंगे जरा पास जाएंगे तो ये आपको पेंटिंग दिखेगी। तो गाइस मैं सर के साथ अभी यहाँ समोसे काट रहा था, तो यार आप मैं एक कुछ बातें करने जा रहा हूँ। कैसे हैं सर? तो आप पाकिस्तान में रहते हैं, तो सर आपका नाम क्या है? मेरा शुएब नाम है सर। तो सर जैसे ना मतलब मैं तो कभी भी मतलब मेरे को तो यार लगता है कि देखो ब्लड होता है हमेशा रेड, चाहे आपका ब्लड हो चाहे मेरा ब्लड हो चाहे किसी का भी ब्लड हो, बट जो सोशल मीडिया में जो इतनी गंदगी है तो मैं उसको हटा के मतलब कि मैं मतलब आप लोग क्या सोचते हैं हमारे कुछ सेम है। मैं तो बहुत सारी कंट्रीज में रहा हूँ घूमता फिरता हूँ, मैंने तो कोई डिफरेंस नहीं देखा, जैसे अभी आप इंडियन हैं मैं पाकिस्तानी हूँ। एक्चुअली मेरे को भी लगता है ना कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो हमेशा मतलब कॉन्फ्लिक्ट करती है दोनों जगह, मानते नहीं मानते हैं क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं है। अभी मेरा नाम पवन कुमार दुबे है, मैं भी इंडिया से ही हूँ, और ये मेरे भाई साहब गुजरात हैं पाकिस्तान के हैं जनाब, और पाकिस्तान के बांग्लादेश के म्यांमार बर्मा के बहुत लोग हैं मेरे पास, आते हैं पीते हैं सबको, साथ में हम लोग साथ में ही चाय समोसा जो भी होगा सब कुछ खाते हैं हम, क्योंकि हमारा भी खाना पीना और रहन सहन एक जैसा है, सिर्फ बॉर्डर लाइन जो है तो
अपने यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ हम लोगों को थोड़ी बहुत अलग अलग कर देती है। बिल्कुल कोई बात नहीं, हम लोग बाहर आ जाते हैं तो हम लोग प्यार से रहते हैं हर जगह, ठीक है। ये हमारे ग्राहक हैं, ये पाकिस्तान से हैं, ये बांग्लादेश के भी हैं और बर्मा के भी है, भूटान के भी है, बहुत लोग आते हैं मेरे पास, सबको मेरे ग्राहक हैं। और मैं, ये मेरी दुकान है, ये देख लीजिए आप दोस्तों। आप देख सकते हैं ट्रैवल करने के दौरान आपको कितने तरह के लोग मिलने को मिलते हैं, मध्य प्रदेश, पाकिस्तान, इंडिया। तो कल मुझे पटाया में एक भाई मिला था गढ़वाल से, और आज कुमाऊं भी मिल गया है दोस्तों। भाई भाई नाम आपका? महेश सिंह बागेश्वर से। महेश भाई बागेश्वर, क्या भाई? राजी राजी, मैं चुपन पहाड़ी। अरे यार भाई, इतनी खुशी हो रही है ना मुझे यार, बहुत ही खुशी हो रही है भाई। बागेश्वर कौन से गांव से हो आप? बागेश्वर में सामा से हूं। सामा भराड़ी। अरे यार भाई, उत्तरायणी में भी देखा? उत्तरायणी में सो देखा गया। इंडिया कब से नहीं गए आप? तीन चार महीने। आप दीपावली में जाने का प्लान बन रहा है क्या? देखते हैं सर। आओ तुम। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा लगा भाई मिलकर। बहुत मेरा नंबर लो, तुम्हें व्हाट्सएप नंबर लो। तो दगड़ियो थाईलैंड में यार यूट्यूब फैमिली सचिव बागेश्वर पे हमारे दादी, बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं ब्लॉग देखता तुम रोज। बिल्कुल बहुत ये देखो, अभी इन्होंने मेरा चैनल, ये नहीं है कि झूठ बोल रहे, मेरे को देख लिया, सब्सक्राइब किया हुआ है दोस्तों। ये बोले तुम्हारी आमा को देखता हूँ, भौजी को देखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है यार। मतलब ये देख लो मेरे गाल में चमक, देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो भाई ने, ये देखो मेरा ब्लॉग चैनल भी खोल रखा है भाई। यार मजा आ गया भाई, झुक झुक जियो। जब भी तुम हमारे वहाँ आओगे, पिथौरागढ़ आओगे ना, आपका स्वागत है, मैं होस्ट करूंगा तुमको, ठीक है? आपको बताइए, हम तो कल यही खाना खाया है। तुम कहाँ थे उसमें? अंदर था मैं। अंदर थे? चलो, ये शेफ है यहाँ पे दोस्तों, खाना वाना बनाते हैं। अपने पहाड़ी भाई ना फौज में और होटल में परचम झंडा गाड़े हुए, झंडा गाड़े हुए कहीं भी मिल जाए भाई। पटायबा लास्ट साइड है, कल हमको बैंकॉक जा रहा है, तो फुल एंजॉय। इंडिया विच स्टेट? इंडिया एपी 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 आंध्र प्रदेश से। भारत माता की।